इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से संपर्क एवं उनकी शिकायतों के निवारण के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को गुमास्ता नगर जोन पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्ढा सहित अनेक नेता पहुंचे। यहाँ पर अनेक लोगों ने ज्यादा राशि के बिल लाने की शिकायत की। एक उपभोक्ता ने तो 50,000 से अधिक राशि के बकाया बिल की जानकारी दी। अब सोचने का विषय यह है कि जहाँ बिजली कंपनी 2-4 हजार का बिल बकाया होने पर ही बिजली काट देती है, तो वहीं 50,000 की राशि बकाया कैसे हो गई? निश्चित ही बिजली कंपनी अपने ग्राहकों की सेवाओं का समुचित ध्यान नहीं रख रही है, जिससे उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पे और शहर कांग्रेस कमेटी और हमारे संगठन द्वारा आज विगत 3 दिनों से अभी हमने राजमोहल्ला जोन, कालानी नगर जोन करा, आज हम अन्नपूर्णा जोन और गुमास्ता नगर जोन को कर रहे हैं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रामक प्रचार फैला रही है कि लाइट नहीं है, कांग्रेस सरकार आ गई, अंधेरे में रहने की आदत डालो, ऐसा वैसा। सरकार पूरी लाइट दे रही है, हर जगह लाइट है। समस्याएँ तो रहती हैं, देखिए समस्याएँ जो रहती है उसका निराकरण हो रहा है। अब बिल बाकी है, अगर हम पिछला बिल नहीं भरेंगे तो नए बिल में जुड़ के आएगा। जनता की जो समस्या है काफ़ी हद तक बिल की समस्या आ रही है और हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे समस्याओं को निराकरण के लिए, और ये शिविर वार्ड वाइज हम लोग लगा रहे हैं। आज एक बड़ा आयोजन हमने जोन स्तर पर किया था और कल से ये वार्ड वाइज जो है शिविर।